हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार दर्शना यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो वेल फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि किस तरीके से रियलिस्टिक हेयर्स क्रिएट करते हैं, और आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। तो वेल फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं और किस तरीके से शेडिंग वगैरह करते हैं। देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने जो ग्रिड मेथड का यूज़ किया था उसकी ग्रिड्स हम इरेज कर लेंगे। फिर बाद में फ्रेंड्स, हम पहले तो अभी आप देख सकते हो कि हम आईब्रो क्रिएट कर रहे हैं, और उसका सबसे पहले तो हम 10B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं और मेकअप ब्रशेज ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और अभी हम आई के नीचे मैकेनिकल पेंसिल से शेडिंग कर लिए है HB पेंसिल का लेड का यूज़ करके, और अभी 10B पेंसिल का यूज़ करके हम आई क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी आई क्रिएट होने के बाद हमें HB पेंसिल का लीड यूज करके आप देख सकते हो हल्के हाथों से हम शेडिंग कर ले रहे हैं, और जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे हम हाईलाइट छोड़ रहे हैं, और ब्लेंडिंग हम आप देख सकते हो कॉटन बर्ड का यूज़ कर रहे हैं, और ये सेकेंड टोन दे रहे हैं 2B पेंसिल का यूज़ करके, और आप टिश्यू पेपर का यूज़ भी कर रहे हैं हम, क्योंकि टिश्यू पेपर से भी बहुत सही स्मूथ ऐसा फिनिशिंग आता है। तो आप हाईलाइट शो करने के लिए वाइट चारकोल आता है, वाइट चारकोल का यूज़ कर सकते हो। वाइट जेल पेन आता है उसका आप यूज़ कर सकते हो, या टोम्बो मोनो इरेजर या नीडेबल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत से कुछ इस तरीके से टूल्स है जो कि आप हाईलाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। फाइनल ईयर फ्रेंड्स आया, और नोज़ क्रिएट होने के बाद अब हम लिप्स क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम जहाँ पे भी शेडिंग कर रहे हैं वहाँ पे मैं पहले तो HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, फिर बाद में सेकेंड टोन देने के लिए जिस तरीके से पोर्शन है उस तरीके से मैं पेंसिल क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते। पहले मैंने HB पेंसिल का यूज़ करके हल्के हाथों से शेडिंग किया, फिर बाद में डार्क पोर्शन है तो वहाँ पे मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया, और बाद में जहाँ पे वाइट है वहाँ पे मैंने हाईलाइट देने के लिए बैटरी इरेजर का यूज़ किया हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आपके कोई डाउट्स हो या मैं स्केच क्रिएट करते टाइम आपको कुछ बताना रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने आगे देखा फेस शेडिंग के टाइम जो हमने टूल्स यूज़ किए हैं वही टूल का हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी यार वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाए इसके लिए अब हम थोड़ा सा स्पीड वगैरह क्रिएट करते हैं, और आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मुझे जहाँ भी इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको वहाँ बताने का कोशिश करूँगा। नेक वगैरह क्रिएट करने के बाद अब आती है बारी शर्ट की। तो अभी सबसे पहले तो मैं 4B पेंसिल का यूज़ करके टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर ले रहा हूँ, और उस पर 10B पेंसिल का यूज़ करके उस पर सेकेंड टोन दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैंने व्हाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके आप देख सकते हो मैंने जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना था वहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ करके मार्क कर लिया। फिर बाद में अभी मैं बैटरी इरेजर का यूज़ करके वहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। सो हमने ग्रिड मेथड का यूज़ करके जो आउटलाइन कर दी थी वो अब हम पहले अभी इरेज कर लेंगे। सो यार फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का
ट्यूटोरियल को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार होगा चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन वाला बटन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलिए, चैनल में हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो यार फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।